सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बाइक्स के बारे में जिनके साथ आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग राइड्स करने के लिए सबसे बेस्ट बाइक्स कौन सी रहेंगी, उन सभी बाइक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो अगर आपको इन सभी बेस्ट लॉन्ग राइड्स वाली बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो यार, इस लिस्ट के अंदर नेकेड स्पोर्ट्स टूरर टाइप की बाइक्स भी हैं, मॉडर्न रेट्रो टाइप की बाइक भी है, रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक्स भी हैं, लेकिन लॉन्ग राइड्स करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल बाइक रहती हैं एडवेंचर टूर टाइप्स की। क्योंकि अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हो तो आपको काफ़ी सारी जगह ऐसी मिलती हैं जहाँ पे रोड अच्छे नहीं होते हैं, सो उस कंडीशन में एडवेंचर टूर टाइप की बाइक्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। लेकिन सबसे पहले इस लिस्ट में हम बात करते हैं नेकेड स्पोर्ट्स टूर बाइक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है यामा की FZ25। यामा की FZ25 काफ़ी अच्छी बाइक है, जिसकी लॉन्ग हाईवे राइड्स कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा स्मूथ, रिफाइंड और रिलायबल इंजन है। इस बाइक के अंदर आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है 1,48,000 और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आपको देखने को मिलेगा 1,72,000 के आसपास। बाइक का सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है और बाइक के अंदर स्टैंडर्ड डुअल चैनल ईबीएस है। 249cc का एयर कोल्ड इंजन है, जिसकी पावर 21 PS और टॉर्क आउटपुट 20 Nm है विद 5-speed ट्रांसमिशन। बाइक के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं और ये बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल है। सो यामा की FZ25 की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, इस बाइक को आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है यामा की MT15। MT15 की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन है, जिसके अंदर 6-speed गियर बॉक्स है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी है। इस बाइक के अंदर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी काफी अच्छी मिल जाएगी। MT15 में आपको 45-50 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी और इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है 1,65,000 और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आपको देखने को मिलेगा 2,00,000 रुपए के आसपास। MT15 का भी राइडिंग पोस्चर काफी अच्छा है, लेकिन ये बाइक पिलियन के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बाइक की हाईवे पे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और इस बाइक का भी सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। सो लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए इस बाइक को भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक है बजाज की Dominar 250। Dominar 250 की भी टूरिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है 1,75,000 और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 2,10,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर 249cc का DOHC लिक्विड कूल्ड 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। इस बाइक का भी ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन सेटअप दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। बाइक के अंदर स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ईबीएस भी है और स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है। राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है और इस बाइक का बेस्ट पार्ट ये भी है कि सेगमेंट में ये बाइक काफी हैवी है, जिसकी वजह से इसकी हाईवे पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहती है। सो बजाज की Dominar 250 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है बजाज की Dominar 400। Dominar 400 वन ऑफ द बेस्ट नेकेड स्पोर्ट्स टूरर बाइक है और इस बाइक की भी हाईवे पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइड्स कैपेबिलिटी काफी बढ़िया है। इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है 2,24,000 और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आपको देखने को मिलेगा 2,70,000 रुपए के आसपास। बाइक के अंदर 373cc का लिक्विड कूल्ड DOHC 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी पावर काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। बाइक के अंदर स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS है, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है, काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं और इस बाइक के अंदर आपको 25-30 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। लॉन्ग राइडिंग करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट मशीन है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे लास्ट नेकेड स्पोर्ट्स टूरर बाइक है KTM की Duke 390, जो काफी अग्रेसिव और शार्प डिजाइन वाली एक प्योर नेकेड स्पोर्ट्स टूरर टाइप मशीन है। इस बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है और इस बाइक के अंदर भी आपको 25-30 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक का एक्सशोरूम प्राइस है 2,96,000 और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आपको देखने को मिलेगा 3,50,000 रुपए के आसपास। बाइक के अंदर 373cc का लिक्विड कूल्ड DOHC 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी पावर है 43.5 PS, टॉर्क आउटपुट है 37 Nm। सो बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS है, TFT कलर डिस्प्ले वाला काफी अच्छा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। बाइक के अंदर फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है और काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं और इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ड्यूक 390 को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करने के लिए एक नेकेड स्पोर्ट्स टूरर टाइप की बाइक लेनी है। सो दोस्तों, ये थी सारी नेकेड स्पोर्ट्स टूरर टाइप की बाइक जिनके साथ आप लॉन्ग हाईवे राइड्स बड़े आराम से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेट्रो क्रूजर बाइक्स के बारे में और इसमें सबसे पहली बाइक है Java 42। इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 1,68,000 से लेके 1,81,000 तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,10,000 रुपए तक देखने को मिलेगा और इस बाइक के अंदर एक Java 42 2.1 वर्जन भी है, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 1,94,000 और ऑन रोड प्राइस है 2,21,000।
जाव 42 का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि बाइक के अंदर काफी अच्छा स्मूथ रिफाइंड और रिलायबल इंजन है, जो कि 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी पावर है 27 PS और टॉर्क आउटपुट है 27 न्यूटन मीटर और बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स की है। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, लेकिन इस बाइक की सीट उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग राइड्स करने के लिए इस बाइक की सीट को आप मॉडिफाई करवा सकते हो, लेकिन बाइक की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर भी आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी, जिसकी हाईवे पे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट बाइक है यजदी की रोडस्टर। यजदी की रोडस्टर भी एक काफी अच्छी रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक है, जिसका एक्चुअल प्राइस 2,00,000 रुपए से लेके 2,10,000 रुपए तक है और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 2,40,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी पावर है 30 PS और टॉर्क आउटपुट है 29 न्यूटन मीटर। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है, बाइक का सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही काफी अच्छा है और ये बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल रहेगी। इस बाइक के अंदर भी आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी और यजदी रोडस्टर की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इस बाइक को भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 भी एक काफी अच्छी रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक है, जिसका एक्चुअल प्राइस 1,90,000 रुपए से लेके 2,21,000 रुपए तक है और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 2,26,000 रुपए से लेके 2,60,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर जे सीरीज वाला काफी अच्छा स्मूथ रिफाइंड और रिलायबल इंजन है, जो कि 349.34 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 20 PS और टॉर्क आउटपुट है 27 न्यूटन मीटर। इस बाइक के अंदर भी आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है और बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS, ड्यूअल चैनल ABS और भी काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। सो अगर आपको एक रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक लेनी है तो फिर आप क्लासिक 350 को भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। मीटियोर 350 एक काफी अच्छी कंफर्टेबल रेट्रो क्रूजर टाइप की मशीन है, जिसके लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छे हैं। मीटियोर 350 क्लासिक 350 के साथ ही इंजन शेयर करती है और इस बाइक का एक्चुअल प्राइस 2,00,000 रुपए से लेके 2,19,000 रुपए तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,40,000 रुपए से लेके 2,50,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि बाइक की सीट्स की कुशनिंग काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर भी आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी है और बाइक की टूरिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है। बाइक का सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही चीजें काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर आपको स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स की है और इस बाइक के अंदर भी आपको काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको काफी अच्छे कलर्स भी मिल जाएंगे और लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है होंडा की हाईनेस CV350 और CV350 RS। ये दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। हाईनेस CV350 का एक्चुअल प्राइस 1,98,000 से लेके 2,05,000 तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,26,000 से लेके 2,35,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर डीलक्स, डीलक्स प्रो और एनिवर्सरी एडिशन, ये तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। हाईनेस CV350 की भी ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं, लेकिन CV350 RS ज्यादा स्पोर्टी टाइप की मशीन है और इस बाइक के अंदर भी काफी अच्छे रेट्रो एलिमेंट्स हैं, जिसका एक्चुअल प्राइस 2,03,000 रुपए से लेके 2,04,000 रुपए के आसपास है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,35,000 के आसपास देखने को मिलेगा। दोनों बाइक्स के अंदर 348.36 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 21 PS, टॉर्क आउटपुट है 30 न्यूटन मीटर। बाइक के अंदर 5-speed गियर बॉक्स है और 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छा स्मूथ, रिफाइंड और रिलायबल इंजन है। दोनों बाइक्स में आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी और दोनों बाइक्स की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है और दोनों बाइक्स पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि दोनों बाइक्स की सीट की कुशनिंग काफी अच्छी है। सो होंडा की हाईनेस CV350 और CV350 RS, इन बाइक्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग राइड्स करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक्स में सबसे लास्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650। दोस्तों, अगर आपको कम बजट में ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक लेनी है, जिसके साथ आप लॉन्ग हाईवे राइड्स कर सको, तो फिर आप रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 भी ले सकते हो। ये दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। इंटरसेप्टर 650 का एक्चुअल प्राइस 2,88,000 से लेके 3,15,000 तक है
जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 3,50,000 से लेके 3,78,000 तक देखने को मिलेगा। और कॉन्टिनेंटल जीटी का एक शोरूम प्राइस 3,06,000 रुपए से लेके 3,32,000 रुपए तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 3,70,000 रुपए से लेके 3,90,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। दोनों बाइक्स के अंदर 648cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 47.65 PS, टॉर्क आउटपुट है 52 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। दोनों बाइक्स की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, लेकिन दोनों बाइक्स की सीट की कुशनिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इन दोनों बाइक्स की सीट को आप मॉडिफाई करवा सकते हो। दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट भी काफी अच्छा है, दोनों बाइक्स के अंदर रेट्रो एलिमेंट्स भी काफी अच्छे हैं और दोनों बाइक्स के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छे हैं। सो अगर आपको कम बजट में ट्विन सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स लेनी है तो फिर आप इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 को भी परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये तो होगी रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक्स। अब हम बात करते हैं मॉडर्न रेट्रो बाइक्स के बारे में। मॉडर्न रेट्रो क्रूजर बाइक्स में सबसे पहली बाइक है जो है टीवीएस की रोनिन 225। टीवीएस की रोनिन 225 भी काफी अच्छी रेट्रो स्टाइल क्रूजर टाइप की मशीन है, जिसके ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं। बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप, और बाइक काफी अच्छे बजट के अंदर भी आ जाती है क्योंकि इसका एक शोरूम प्राइस 1,49,000 से लेके 1,71,000 तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,76,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर एलईडी इंडिकेटर्स हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम फीचर भी है और बाकी सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। बाइक के अंदर काफी अच्छी कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है और राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है। इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। बाइक के अंदर काफी अच्छे ब्लॉक पैटर्न टाइप के ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं। 225.9cc का एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 20.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 20 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 L की है और इस बाइक के अंदर आपको 40-45 km के आसपास की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। बाइक के अंदर काफी अच्छे रेट्रो एलिमेंट्स भी हैं और ये बाइक भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग करने के लिए काफी अच्छी बाइक है। अब बात करते हैं मॉडर्न रेट्रो क्रूजर बाइक्स की सबसे लास्ट बाइक के बारे में, जो है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 भी एक काफी अच्छी न्यू रेट्रो टाइप की मशीन है, जिसका एक शोरूम प्राइस 1,50,000 से लेके 1,72,000 तक है और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,82,000 से लेके 2,10,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर भी काफी अच्छी कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है। बाइक के अंदर काफी अच्छे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। बाइक में 349.34cc का एयर कूल्ड SOHC इंजन है, जिसकी पावर है 20.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 27 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 L की है और इस बाइक के अंदर आपको 35 km के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक के अंदर काफी अच्छे रेट्रो एलिमेंट्स हैं, ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छे हैं और इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। इस बाइक को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है तो। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई नेकेड स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स, मॉडर्न रेट्रो क्रूजर बाइक्स के बारे में, लेकिन अब फाइनली हम बात करते हैं एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक्स के बारे में, जो लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक्स हैं। एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक्स में सबसे पहली बाइक है हीरो मोटो कॉर्प की एक्सपल्स 200 के अंदर भी आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,27,000, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,52,000 के आसपास। इस बाइक के अंदर एक 4-way एडिशन भी आ गया है, जिसके अंदर 2 वॉल्स की जगह पे 4 वॉल्स हैं, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,37,500 और ऑन रोड प्राइस है 1,64,000। इस बाइक के अंदर एक 4-way वाले एडिशन के अंदर रैली एडिशन भी है, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,52,000, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,80,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बाइक के अंदर कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है, राइडिंग पोस्चर भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग करने के लिए भी ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट मशीन है, जिसके अंदर 199.6cc का ऑयल कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 18.08 PS, टॉर्क आउटपुट है 16.45 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 L की है। बाइक के अंदर फ्रंट में राउंड शेप एलईडी हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी है। बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स हैं और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने के लिए भी ये बाइक काफी अच्छा ऑप्शन है। सो हीरो की एक्सपल्स 200 को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग राइडिंग करने के लिए और ऑफ रोडिंग करने के लिए बाइक लेनी है तो। नेक्स्ट बाइक है येजदी की एडवेंचर। येजदी एडवेंचर भी एक काफी अच्छी एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है, जिसका एक शोरूम प्राइस 2,13,000 से लेके 2,15,000 तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक में 334cc का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है, जिसकी पावर है 30 PS, टॉर्क आउटपुट है 30 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन।
बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी 15.5 लीटर्स की है और इस बाइक के अंदर भी स्पोक व्हील्स हैं, स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं। बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है और बाइक के अंदर काफी अच्छे टायर्स हैं। ऑफ रोडिंग करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है, जिसकी हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर आपको 35 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है होंडा की CB200X। होंडा की CB200X भी एक काफी अच्छी एडवेंचर टूरर टाइप की मशीन है, जो अपने सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल मशीन है, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 1,48,000 और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,72,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है, बाइक के अंदर ब्लॉक पैटर्न टाइप के ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं और काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। इस बाइक के अंदर आपको 40 KMPL के आसपास की माइलेज भी मिल जाएगी। बाइक में 184.4 cc का एयर कोल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 17.2 PS, टॉर्क आउटपुट है 16 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन, फुल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है और इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप होंडा की CB200X को भी कंसीडर कर सकते हो, बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हैं। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। रॉयल एनफील्ड हिमालयन भी एक काफी अच्छी एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है, जो लद्दाख ले जाने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए, लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए काफी अच्छी बाइक है। इस बाइक का एक्शोरूम प्राइस 2,15,000 से लेके 2,22,000 तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,70,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर 411 cc का एयर कोल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 24 PS, टॉर्क आउटपुट है 32 Nm, बाइक के अंदर 5-speed गियर बॉक्स है, 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है, बाइक के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स हैं और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है, जिसके साथ आप लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो। सो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको एक एडवेंचर टूर टाइप की बाइक लेनी है तो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है सुजुकी की V-Strom SX250। ये बाइक रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई है, जिसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक का एक ही स्टैंडर्ड वेरियंट है, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 2,11,600, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है, बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन सेटअप दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर आपको 35 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी, जिसमें 249 cc का ऑयल कूल्ड SOHC इंजन है, जिसकी पावर है 26.5 PS, टॉर्क आउटपुट है 22 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन, बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है। एडवेंचर टूरर बाइक्स के अंदर सुजुकी की V-Strom SX250 भी वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है, जिसके साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एडवेंचर टूरर बाइक्स में सबसे बेस्ट मशीन के बारे में, जो है KTM की एडवेंचर 390। दोस्तों, अगर आपको सबसे बेस्ट एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक लेनी है तो फिर आप KTM की एडवेंचर 390 के साथ भी जा सकते हो। इस बाइक की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हैं और फीचर्स की भी कोई भी कमी नहीं है। बाइक का एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है, जिसका एक्शोरूम प्राइस है 3,37,000 और बाइक का ऑन रोड प्राइस है 4,00,000 रुपए के आसपास। बाइक में 373 cc का लिक्विड कूल्ड SOHC इंजन है, जिसकी पावर है 43.5 PS, टॉर्क आउटपुट है 37 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14.5 लीटर्स की है। बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है, ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है और बाइक में TFT कलर डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। बाइक में स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS भी है और काफी स्मूथ, रिफाइंड और रिलायबल इंजन है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और ये बाइक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने के लिए भी काफी अच्छी रहेगी। सो दोस्तों, ये थी वो सारी बाइक्स जिनके साथ आप लॉन्ग राइड्स बड़े आराम से कर सकते हो, यानी कि अगर आपको लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी है तो फिर ये सभी बाइक्स को आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपको इन सब बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।